जम्मू कश्मीर के रामबन में खाई में कार गिरने से वायुसेना के जवान की मौत। कश्मीर घाटी के कुलगाम का रहने वाला। घाटी में दो हुर्रियत नेताओं के घरों पर छापेमारी। 6 जगहों पर एसआईए की कार्रवाई जारी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर दरखंशा अनराबी ने उपायुक्त श्रीनगर एजाज असद के साथ ईदगाह का किया दौरा। ईद की नमाज के लिए व्यवस्था सुनिश्चित की। आयुष मेडिकल कैंप को ऑर्गेनाइज किया गया श्री जीव दया चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से, साथ ही लंगर का भी रहा आयोजन। प्राचीन हनुमान मंदिर प्रबंधक कमेटी मोती बाजार जम्मू में आज से रामायण पाठ की शुरुआत। श्री हनुमान जन्मोत्सव पर की गई शुरुआत। सोनावारी के विभिन्न क्षेत्रों से हज 2023 के लिए चयनित तीर्थयात्री इरिगेशन कॉलोनी सुंबल में हुए एकत्रित। भारतीय स्टेट बैंक सुंबल शाखा के खिलाफ किया मौन प्रदर्शन। फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स की तरफ से आज फिर हरि सिंह पार्क के बाहर दिया गया धरना प्रदर्शन। प्रदर्शन कर उपराज्यपाल से इंसाफ की लगाई गुहार। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन के निशाने पर आरएसएस के नेता, लिस्ट जारी कर दी धमकी। जमीन को लेकर प्रताड़ित करने के आरोप में वासकुरा गांधरबल के परिवार ने खिलाफ आज प्रेस क्लब कॉलोनी में कश्मीरी पंडित महिला का किया गया प्रदर्शन। देवेपार रैकेट का भंडाफोड़ करने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने किराएदारों के सत्यापन की दी सलाह। 3 तलाक आर्टिकल 370 FCAA के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा गुलाम नबी आजाद ने फिर दिखाई दरियादिली। जम्मू कश्मीर प्रदेश में मिले कोरोना के 40 नए मामले। जम्मू जिला में सबसे अधिक 14 लोग संक्रमित मिले। सावधान चलान के नाम पर आप बिना हो जाएं ठगी का शिकार। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों के लिए जारी की एडवाइजरी। जोजिला पास में हिमस्खलन के बाद श्रीनगर ले बंद सड़क को साफ करने के लिए लोगों और मशीनरी को काम पर लगाया गया। जम्मू कश्मीर प्रदेश में आज फिर बारिश और बर्फबारी की संभावना। पुंछ में कच्चा मकान ढहने से कई मवेशी मरे। सिक्किम में नाथुला के पास हिमस्खलन, 6 पर्यटकों की मौत, 80 से ज्यादा के फंसे होने की आशंका। भारत में लगातार तीसरे दिन मिले कोरोना के 3000 से अधिक मामले। एक्टिव केस 21000 के पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दुनिया में सबसे ज्यादा, कांग्रेस ने सर्वे पर उठाए सवाल। भूटान नरेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई आज मुलाकात। द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर दिया फोकस।